हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सभी का। पिछले वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, हालांकि सब्सक्राइबर बहुत कम है मेरे, बट रिस्पांस अच्छा मिला। चलो टाइम पास ना करते हुए आपको बता दूं कि ये वीडियो है समृद्धि में, कुछ अपडेट है समृद्धि एक्सप्रेसवे में लोगों के लिए। जो समृद्धि एक्सप्रेसवे के साइड में दोनों तरफ से जो लोग रहते हैं उन और जिन्हें जाने के लिए रास्ता नहीं है, ये उनके लिए है, बताता हूँ। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। और हाँ, वीडियो पे जाने से पहले एक बात बता दूँ कि जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए छोटा सा कुछ बोलना चाहूँगा वीडियो के एंड में, तो इस वीडियो को पूरा देखें। जो यूट्यूबर्स है, यूट्यूब पे काम करना है उनके लिए थोड़ा सा अपडेट है, कुछ बोलना चाहूँगा उनके लिए। तो चलिए वीडियो के एंड में मिलते हैं, तब तक आप इस वीडियो को, जो समृद्धि एक्सप्रेस वे, उसके अपडेट को देखिए। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो दीवार है ये समृद्धि एक्सप्रेसवे के बाजू में बनने जा रही है, जो मुंबई से लेके नागपुर तक इसी दीवार बनने वाली है। अगर आपका बाजू में कोई खेत है तो आपको कोई चांस नहीं इस साइड आने का, और अगर आपका दोनों साइड में खेत बच गया है तो इस साइड आने का कोई चांस नहीं। हाँ, जहाँ पे ऐसा रोड्स है ना, जहाँ उन्होंने अंडर पास दिए हुए, वहाँ से जाने के लिए आपको चांस मिलेगा। अदरवाइज आप दूसरी तरफ से कहीं से भी इस साइड आने का चांस कोई आपको नहीं मिलने वाला। तो देखो, ये यहाँ से शुरू हुआ इसका काम, पता नहीं कौन से ज़िले में इसका काम हुआ होगा, बट यहाँ से तो शुरू हो चुका है। और ये जो आप देख रहे हो ये इंटरचेंज है, मतलब ये 211 और 211 जो हाईवे था ना महाराष्ट्र का, उसको यहाँ से इंटरचेंज है, यहाँ से उसको जाने का चांस है। और ये देखो, ये है दीवार जो बनने जा रही है यहाँ से वहाँ तक, मुंबई से लेके नागपुर तक पूरी दीवार बनने वाली है, तो दोनों साइड जाने का कोई चांस ही नहीं। यहाँ पे इसका काम शुरू है इस तरह से, MSRDC की ये पूरे पैनल है इसके इसका, और यहाँ पे काम शुरू है। और ये दीवार बहुत मोटी है, मतलब आप सोच रहे होंगे कि तोड़ ताड़ के लोग चले जाएंगे इधर से उधर, ऐसा कोई जमने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो दीवार है ना बहुत मोटी है। और इसका काम आदमियों से नहीं हो रहा है, GCP से इसका काम शुरू है। ये प्लेटा GCP से उठा के इस पर रखी जा रही है, तो आप सोच सकते हो कि कितना उसका वज़न होगा। तो ये यहाँ पे इसका काम शुरू है, ऐसे खंभे गाड़ के फिर बीच में सीमेंट की प्लेटा रख कर इन्हें बनाया जा रहा है। इस तरह से इसका काम शुरू है और यह पूर्ण बने, और ये जो सीपी है जिससे वो बनाए जा रहे हैं, ये देखो यहाँ पे काम शुरू है। तो देख लिया आपने कि दोनों साइड से, इस रोड के दोनों साइड से दीवार बनने वाली है, मतलब आपको इस साइड से उस साइड जाने का कोई चांस ही नहीं, आप बिल्कुल फंस चुके हो। जो भी रोड के साइड में लोग हैं ना, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो सतर्क हो जाए। आपको कुछ करना है तो अब भी करो, बाद में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो किसी की सुनता नहीं है। हमारे यहाँ पे ऐसा एक मैटर हुआ था, सुन ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी रोड के उस दीवार बनाने के लिए, क्योंकि दीवार अगर बन गई ना तो उन्हें जाने के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि क्या है, दीवार बनने के बाद तो कोई चांस ही नहीं है। तो यही अब था। और मैंने जो अनाउंसमेंट किया था ना यूट्यूबर्स के लिए, वो अनाउंसमेंट था कि जो भी यूट्यूब चैनल, अब जिन्होंने भी नया नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है ना, उनकी मैं अपनी तरफ से हेल्प करूँगा। मेरे जो व्यूअर्स है या सब्सक्राइबर है, थोड़े से सब्सक्राइबर है, ज़्यादा से नहीं है, बट उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, और आप भी मेरी कर देना। आपका अगर यूट्यूब चैनल, तो आपका यूट्यूब चैनल का लिंक मुझे भेज दो कमेंट में,
मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दूंगा, आपका कोई वीडियो होगा तो उसे लाइक भी कर दूंगा। तो अगर आप कमेंट में आपका चैनल का लिंक भेजते हो तो मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर दूंगा, और मैं खुद रिकमेंड करूंगा आपके चैनल को सब्सक्राइब करवाने के लिए जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर्स हैं। तो एक दूसरे का सब्सक्राइब करते रहो, एक दूसरे की मदद करते रहो, बस यही है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर बार अगले वीडियो में। और हाँ, मैं व्लॉगिंग, ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, तो इस पर मैं हर बार सिर्फ समृद्धि के ही वीडियोज़ डालूँगा, ऐसा नहीं है। मैं इस पर बाकी अपडेट भी देता रहूँगा, कुछ भी जो भी देख सकते हैं कि जिन्हें मुझे लगता है कि ये आप लोगों ने देखना चाहिए, ऐसे वीडियोज़ मैं इस पर डालूँगा। इसके अलावा मेरा न्यूज़ एक चैनल है जो मैंने अभी अभी शुरू किया है, उस पर कोई ग्रोविंग अभी नहीं हुई है इसलिए मैं उसका अनाउंसमेंट नहीं करूँगा, बट उस पर भी मेरा काम शुरू है। इसलिए मैंने अभी एक नया माइक ख़रीदा है जिससे बहुत बेटर साउंड अभी आ रही होगी। आपने भी शायद थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में जो साउंड रिकॉर्डिंग थी ना वो बहुत ही बैड थी, ये वाली अच्छी है। तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी ऐसा, अगर आपका चैनल है तो आप भी ऐसा एक कोई माइक ख़रीद लो, ताकि इससे साउंड क्वालिटी बहुत बेटर हो जाती है, बहुत फ़र्क आपको दिखेगा। तो अगर आप ऐसा कोई माइक ख़रीदना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से ख़रीद सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।